बाबा रामदेव द्वारा दिया गया विवादित बयान जबरदस्त तूल पकड़ते दिख रहा है। उचित कार्यवाही के नाम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशिकांत कनकने को ज्ञापन सौंपा। इसी के चलते बाबा साहेब के अनुयायियों और समर्थक सड़कों पर उतरे और बाबा रामदेव का पुतला फूका, साथ ही जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आक्रोशित सामाजिक संगठन ने मीडिया से खास बातचीत में बताया कि बाबा रामदेव द्वारा की गई टिप्पणी के आधार पर संविधान की धाराओं के तहत उचित कार्यवाही की जाए, अन्यथा चरणबद्ध आंदोलन के लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये बाबा रामदेव जो पतंजलि का व्यापारी है, उस हरामखोर ने एक योग शिविर में दलित और आदिवासी संगठनों को वैचारिक आतंकवादी बोला है, इसलिए हम लोग विरोध में आज पुतला दहन किया है और एसपी साहब को एफआईआर के लिए मांग कर रहे हैं। किस प्रकार का अभी विरोध दर्ज कराएंगे? एसपी साहब से मांग करेंगे कि इनके विरुद्ध जो हमारे महापुरुष है और महापुरुष को जो बाबा साहब को बोला है कि बाबा साहब के जो चेले हैं वो उनके जो वैचारिक आतंकवादी फैला रहे हैं, जबकि हम बाबा साहब के अनुयायी है और हम उनके अनुयायी होने के नाते हम उनके विचार पर चल रहे हैं और जो संगठन एससी एसटी के संगठन है उनको वैचारिक आतंकवादी बोल रहे हैं। रामदेव बाबा, क्या नाम? रामेश बोड़ले, अनुसूचित जनजाति संघर्ष मोर्चा, जिला अध्यक्ष।